दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में दो घंटे की बारिश में जल प्रलय जैसे हालात हैं। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर महाजाम जैसे हालात हैं। जगह जगह गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। कुल मिलाकर बेमौसम बरसात ने साइबर सिटी की पोल खोल दी है। वैसे हर साल ये पोल खुलती है, आप ये सोच कर देखिए। और आज की बारिश भी कोई बारिश थी? आप ये भी सोचिएगा कि क्या बारिश हुई, क्या वाकई इतनी बारिश हो गई कि सड़कें जाम होनी चाहिए थी। हीरो होंडा चौक से लेकर खिड़की दोला टोल तक दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर भारी जाम लगा हुआ है। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न है। एक्सप्रेसवे पर करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बीच रास्ते में ही कहीं गाड़ियां खराब हो गई। हाईवे पर जलभराव होने की वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आई। दूसरी तरफ पैदल निकलने वालों के लिए भी बारिश आफत ही लेकर आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं बारिश ने साइबर सिटी का सच आपके सामने रख दिया। हर बार इसी तरह से होता है, हर बार इसी तरह से होता है। आवागमन बाधित होता है, आने जाने का ही मुख्य मार्ग रास्ता है। सभी जितने कामगार हैं सबका ही रास्ता है, और हर बार इसी तरह से जाम लगता है। बहुत जान माल की दोनों भी खतरा हो सकती है। ऐसी बहुत बुरे हालात हो गए भाई, बहुत बुरे, बहुत ज्यादा। एक्चुअली में जो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही खराब है। मैं अभी बाइक से आ रहा था, बाइक मेरी बंद पड़ गई है, और अभी एक लड़की जा रही थी उसके साथ बहुत प्रॉब्लम हुई। गवर्नमेंट को इसी तरफ ध्यान देना चाहिए। लाइक इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी, वैसे तो कहने को तो आईटी सिटी है, बट हालात आप ही देख लो कैसे आ रही है भाई। इतने पानी हर बार ऐसी होता है, हर बार टोटली हर बार बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रशासन को क्या करना चाहिए इसके लिए? ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाना चाहिए। लाइक आप देख लो, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, और वो बाइक भी बंद हो गई है पीछे से। साइबर सिटी में बेमौसम बरसात ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि सभी सड़कों पर जल प्रलय जैसा माहौल हो गया है। इस वक्त मैं गुरुग्राम के दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे के पास नरसिंहपुर इलाके में हूं, जहां सर्विस रोड पर घुटनों से ऊपर का पानी जो यहां पर भर गया है। तस्वीरों में आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हाइट तक जो है यहाँ पर जल भराव की स्थिति बन गई है। अगर हालात देखें तो जल प्रलय जैसे साइबर सिटी में हालात हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन पर गाड़ियाँ जल भराव होने के कारण बंद हो गई है। एक गाड़ी वो जो आपको दूर दिखाई जा रही है वो रही, और दूसरा जो तस्वीरें हैं वो दिखा रही हैं कि पैदल जो अपने घर की ओर जा रहे हैं कामकाज से निकल कर लोग, उनको कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी मुसीबतों का सामना बारिश के बाद और जलभराव के बाद उनको करना पड़ता है। दूसरी ओर मैं इस गाड़ी की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जो जलभराव के कारण बंद हो गई हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मानसून में हर बार इस तरह की तस्वीरें आपको साइबर सिटी गुरुग्राम से देखने को मिलेंगी, और गुरुग्राम जो है जलग्राम के नाम से भी मशहूर हो चुका है। कारण ये है कि प्रशासन की लापरवाही होती है और ड्रेनेज की सफाई नहीं होती, उसी कारण से जो है बारिश के बाद जल प्रलय जैसे हालात यहाँ पर पैदा हो जाते हैं। हर बार अधिकारी ये दावा करते हैं कि इस बार बारिश के कारण जल भराव नहीं होने देंगे, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से मुसीबत उठाकर जो है अपने कामकाज से फ्री होकर अपने घर की ओर जा रहे हैं, लेकिन ये देखिए कितनी मुसीबतें इनको हो रही हैं। जल भराव देखिए घुटने से ऊपर, यानी कि 3 फीट से ज़्यादा पानी है। यहाँ से लोगों से बातचीत करते हैं, कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है जल भराव जब होता है तो? जी सर, बहुत मुसीबतें उठानी पड़ रही है, बहुत तेज है, बहुत ज्यादा भींग चुके हैं, पूरा बहुत बुरा हाल है। हर बार ऐसे ही होता है, हर बार ऐसे ही बारिश होती है, जब भी ऐसे ही होता है। आज तो सिर्फ 2 घंटे बेमौसम बरसात हुई थी फिर, लेकिन इससे ज्यादा भी हो जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, आपने सुना तस्वीरें, दास्तान जो हैं वो कुछ और बयां कर रही हैं। लोगों ने बताया कि किस तरह की मुसीबत उनको उठानी पड़ती है, और ऐसा पहली बार नहीं है कि गुरुग्राम में जल प्रलय जैसे हालात हुए। हर बार का जो है यही रवैया रहता है, जिला प्रशासन की यही कार्यशैली रहती है, जिसका भुगतान जो है आम जनता को करना पड़ता है। गुरुग्राम से योगेश कुमार, जी मीडिया।